हेलो फ्रेंड्स, हेलो। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में और इसी के साथ हिंदी व्याकरण की सीरीज में। वैसे तो बाजार में बहुत सारी बुक्स है, पुस्तकें हैं हिंदी व्याकरण की, आप चाहे जितनी ले सकते हैं, जितनी खरीद कर पढ़ सकते हैं, लेकिन उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़ोगे कैसे? समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, जो आप स्कूल लेवल पे भी पढ़ के आ चुके हैं लेकिन वो तभी भूल चुके हैं, और कंपटीशन एग्जाम्स में आप टॉपिक्स को रट भी नहीं सकते क्योंकि वहां पे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे इन वीडियोस का अध्ययन करने के पश्चात न केवल आप मौखिक बल्कि लिखित परीक्षाओं में भी तथा साक्षात्कार इंटरव्यू में भी आप बेहतर प्रस्तुतियां दे सकेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। इन वीडियोज में हमने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे प्री बीएड एग्जाम, व्याख्याता परीक्षा, स्कूल लेक्चरर, इसी के साथ साथ आरएएस एग्जाम में भी, विश्वविद्यालय के जितने भी एग्जाम्स होते हैं बीए फर्स्ट ईयर के कंपलसरी पेपर में, और इसके अलावा अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु भी ये वीडियोस की सीरीज बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, जरूर से सारी वीडियोज का अध्ययन करें। संधि, सबसे पहले जानेंगे संधि होती क्या है। संधि जब दो या दो से अधिक वर्णों, ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों का मेल हो तो उस मेल से जो नवीन विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो नवीन विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्वर, दो स्वरों के आपस में मेल होने से जो उनमें परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, वैसे तो 10 होती है, लेकिन संस्कृत का जो री शब्द है वो हिंदी में भी कभी कभी आ जाता है, तो कुल 11 संख्या होती है, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं संधियों के, स्वर संधियों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ, नाम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दीर्घ। जब ह्रस्व स्वर मतलब लघु स्वर अ, ई, उ, और दीर्घ स्वर आ, ई, उ एक दूसरे के पश्चात आ जाए, तब दोनों स्वर मिलकर, लघु और दीर्घ दोनों स्वर मिलकर हमेशा दीर्घ स्वर आ, ई, उ बनाते हैं। तो इसके कुछ नियम इस प्रकार होते हैं, जब ए या आ ध्वनि के सामने ए या आ ध्वनि आ जाए तो वो आ स्वर बनाएंगे, दीर्घ स्वर बनाएंगे आ। यदि ई लघु ई और दीर्घ ई के सामने लघु ई और दीर्घ ई आ जाए तो वो दीर्घ स्वर ई बनाते हैं। इसी समान उ या उ के सामने उ और उ आ जाए तो उ ध्वनि बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाएंगे आ, ई,
उदाहरण देखते हैं, जैसे कुछ, जैसे पहला उदाहरण है मुरारी। जब भी संधि विच्छेद करें तो विच्छेद करते वक्त ये ध्यान रखें कि जो भी शब्द आप निकाल रहे हैं उन शब्द का कोई अर्थ हो, वो अर्थ में कोई अपना स्थान रखते हो, चाहे वो उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, कोई धातु हो, शब्द उनका अर्थ निकलना चाहिए। तो मुर मुर प्लस अरी, मुर में रम अ ध्वनि, अरी में अ अ ध्वनि, ए लघु अ लघु मिलके बनाया दीर्घ स्वर आ की ध्वनि, इसलिए बना मुरारी। इसी के साथ दूसरा उदाहरण है परमार्थ। परम प्लस अर्थ, इसमें भी अ अ ध्वनि ने मिलके बनाया परमार्थ मा आ ध्वनि। दयानंद, दया प्लस आनंद, दया आनंद। आप देख रहे हैं कि हर शब्द का अपना अपना अर्थ है। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, वी की छोटी ई, इंद्र बड़ी ई, छोटी ई बड़ी मिलकर क्या बने, बड़ी ई। हरीश, हरि प्लस ईश, ईश ध्यान रखें ईश में हमेशा बड़ी ई आती है। नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर, नारी के सामने थी बड़ी ई, ईश्वर में बड़ी ई, तो दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई भी बना है दीर्घ ई, इसलिए नारी में ई। लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बना लघुत्तर में बड़ा ऊ, लघुत्तर। वधुत्सव, वधु लिखते हैं, वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ छोटा ऊ भी बनेगा हमेशा दीर्घ ऊ। भानुदय, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बना भानु, बड़ा ऊ। इसी तरह लघुर्मी, लघु छोटा प्लस ऊर्मी, बड़ा ऊ, ऊर्मी होता है लहर। हर शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, जिससे बन गया लघुर्मी। तो इन सारे शब्द में आप देखो, चाहे स्वर लघु हो या दीर्घ हो, लेकिन जब संधि मिलकर बनता है तो हमेशा स्वर दीर्घ स्वर ही बनेंगे, जो कि होंगे आ ई मतलब बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ। इसके बाद में हम बात करते हैं संधि के दूसरे प्रकार गुण संधि के बारे में। ये दीर्घ से बिल्कुल अलग गुण, यदि ए और आ स्वर के सामने ई और बड़ी ई आए तो ए ए एक मात्रा वाली ए बन जाता है। यदि ए या आ स्वर के सामने ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ स्वर बन जाता है। यदि ए या आ के सामने री ध्वनि आए तो वो दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, स्वेच्छा, सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। स्वेच्छा, इससे पहला शब्द स्वे प्लस इच्छा, स्वे से अ ध्वनि, इच्छा, ए के सामने कौन सी ध्वनि आई, ई छोटी, तो वो क्या बन गया, ए, स्वेच्छा ए बन गया। सुरेश, सुर प्लस ईश, सुर ए ध्वनि के सामने आई थी बड़ी ई, तो बन गया ए सुरेश। महेंद्र, इसी प्रकार महा आ ध्वनि के सामने क्या आई, छोटी ई इंद्र, तो इसका बन गया ए तो महेंद्र। प्राप्तोदक, प्राप्त प्लस उदक जिसका मतलब होता है जल पानी, प्राप्त प्लस उदक, अ ध्वनि के सामने आई अब छोटी छोटा ऊ, अ ध्वनि ए आ के सामने छोटा यू या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, तो हो गया प्राप्तोदक। यमुनोर्मी, यमुना प्लस उर्मी लहर,
और यमुनोर्मी, तो आ के सामने ऊ ध्वनि आई तो ओ हो जाता है, तो यमुनोर्मी। महर्षि महा प्लस ऋषि, आ ध्वनि के सामने र होने पर अर हो जाता है, तो हो गया महर्षि अर। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, अ के सामने री अर, ग्रीष्म ऋतु। सौधारण स प्लस उदाहरण स, अ ध्वनि के सामने जब ऊ आया तो ए ध्वनि ए आ के सामने ऊ, या ऊ आए तो ओ हो जाता है, तो हो गया सो उदाहरण। तो इतना सा ध्यान रखना है बस, ए या आ ध्वनि के सामने अगर ई ई आए तो ए, ए या के सामने ऊ या ऊ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। ये है गुण संधि के नियम। इसके बाद में हम बात करते हैं संधि के, स्वर संधि के तीसरे प्रकार, वृद्धि संधि। वृद्धि नाम से ही पता है, वृद्धि होती है। ए या आ स्वर के सामने यदि ए आई ध्वनि आए तो आई ध्वनि हो जाती है, और यदि ए या आ के सामने ओ औ ध्वनि आए तो औ हो जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, सदैव आई, सदा प्लस एव, आद सदा में आ ध्वनि के सामने ए, तो ए या आ के सामने ए आए या आई आए, आई होगा हमेशा सदैव। महेश्वरे महा प्लस ऐश्वर्य, सेम नियम है वही का वही। परमौजस्वी परम प्लस ओजस्वी, परम ए के सामने ओ ध्वनि आने पर औ हो जाता है, इसलिए परमौजस्वी। परमौषध परम प्लस औषध, अ के सामने औ आने पर भी औ हो जाता है। सर्वदेव सर्वदेव, तो सर्वदा शब्द का मीनिंग होता है, अर्थ होता है सर्वदा, हमेशा। एव आ ध्वनि के सामने जब ए आता है तो आई हो जाता है, तो सर्व देव। परमौदार्य, सबसे पहले निकाला परम, इसमें अध्वनि ए के सामने औदार्य, ए या आ के सामने ओ औ आए तो औ हो जाता है, इसलिए हो गया परमौदार्य। वसुधैव वसुधा प्लस एव, आ के सामने ए ध्वनि आई तो आई हो गया। मंत्रौषधि मंत्र प्लस औषधि, अ ध्वनि के सामने जब ओ और औ ध्वनि आएगी तो उसका औ हो जाएगा, इसलिए मंत्रौषधि। तो इस तरीके से इसके दो ही सिंपल नियम हैं, बिल्कुल ए या आ ध्वनि के सामने ए आई है तो आई हो जाता है, और अ या आ ध्वनि के सामने ओ औ आए तो औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में स्वर संधि के चौथे प्रकार यण संधि के बारे में बात करते हैं। यण संधि, इसके कुछ तीन नियम इस प्रकार हैं। ई या बड़ी ई के सामने यदि कोई भिन्न स्वर, मतलब छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई और स्वर आए अगर, तो उसका य हो जाता है य। इसी के साथ यदि ऊ यानी छोटा ऊ और बड़े ऊ के सामने यदि भिन्न स्वर, मतलब छोटा ऊ और बड़े ऊ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो उसका व हो जाता है। री के समक्ष यदि कोई भिन्न अन्य स्वर आए री को छोड़कर तो र हो जाता है। ये सब ऐसे बदल जाते हैं, मतलब य व र में बदल जाते हैं। उदाहरणों से समझते हैं, जैसे अत्यावश्यक, आप देख सकते हैं इसमें य शब्द भी, अत्यावश्यक में भी। अति ई ध्वनि के सामने क्या शब्द आ गया, अन्य। ई के सामने आवश्यक, ई के सामने भिन्न स्वर है आ, ना छोटी ई है ना बड़ी ई है, तो भिन्न स्वर आते ही ई या ई के सामने भिन्न स्वर आएगा तो उसका य हो जाएगा, इसलिए हो गया अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। दूसरा उदाहरण प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रति छोटी ई के सामने भिन्न स्वर आया अ, अलग स्वर है ई नहीं है, तो इसलिए प्रत्यर्पण य में बदल जाएगा ई या बड़ी ई। गत्यवरोध, गति प्लस अवरोध, ये भी उसी तरीके का उदाहरण है। स्वल्प वो वर्ड शब्द देख रहे हैं, सू सू ऊ या बड़े ऊ के सामने भिन्न स्वर आ गया, अल्प अस्वर आ रहा है,
तो वो व में बदल जाएगा स्वल्प। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, छोटे उ के सामने ए स्वर आ गया भिन्न स्वर तो व में बदल गया। स्वागत, सु प्लस आगत, सु में छोटा उ उसके सामने आ स्वर तो वो बदल गया व में स्वागत। पित्राज्ञा, पितृ, री के सामने री ना आकर अन्य स्वर भिन्न स्वर आया आ तो इसलिए वो बदल गया र में पित्राज्ञा। मात्रानंद, मात्र, री स्वर के सामने अन्य भिन्न स्वर आया आ तो वो बदल गया मात्रानंद री में। तो इतना सा ध्यान रखना है बस, ई या ई के सामने भिन्न स्वर आने पर वह य में, ऊ या बड़े ऊ के सामने भिन्न स्वर आने पर वह व में, एंड री के समक्ष अन्य स्वर या भिन्न स्वर आने पर वो र में बदल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्वर संधि के पांचवें प्रकार अयादी संधि के बारे में। इसके चार महत्वपूर्ण नियम हैं। यदि ए स्वर के समक्ष, ए के समक्ष अन्य स्वर आ जाए ए को छोड़कर तो वह अय में बदल जाते हैं। यदि ऐ के समक्ष अन्य स्वर आ जाए तो आय में बदल जाते हैं। यदि ओ के समक्ष कोई अन्य स्वर आ जाए तो अव में बदल जाते हैं। और यदि औ के समक्ष कोई अन्य स्वर आ जाए तो वह आव में बदल जाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे नयन, ने, ए स्वर के समक्ष अन्य स्वर आ गया अ, ए नहीं आया अ आ गया, ने प्लस अन तो वो किस में बदल गया अय, नयन अय नयन। शयन, इसी प्रकार शे प्लस अन शयन। गायक, आय ध्वनि सुन रहे हो गई इसलिए आई दो मात्रा प्लस अक गायक। पवन, अवध्वनि मतलब ओ स्वर पो प्लस अन पवन। पावक, आव पौ प्लस अक औ के सामने भिन्न स्वर आया इसलिए किसमें बदल गया आव औ दो मात्रा के सामने। नाविक, नौ प्लस इक औ के सामने फिर भिन्न ध्वनि आई है ई इसलिए आव में बदल गया नाविक। नायिका, नई इसमें भी आय आय ध्वनि है नायिका आय। नई प्लस ईका आई के सामने अन्य स्वर आने पर आय में बदल जाता है। तो इन उदाहरणों के द्वारा आप समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में, व्यंजन संधि क्या होती है और उसके कुछ मुख्य नियमों के बारे में। व्यंजन संधि, सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि में स्वरों का मेल था, व्यंजन संधि में जैसे नाम से स्पष्ट होता है व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है। जब किसी एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जब दोनों ध्वनियों में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, वागीश, वाक, क प्लस ईश दो व्यंजन का वागीश। सत प्लस चरित्र त व्यंजन च व्यंजन इससे मिलकर बना सच्चरित्र। उत्पन्न, उद प्लस पन उत्पन्न इस तरीके से व्यंजन संधि। इसका सबसे पहला नियम है, अच्छे से सुने, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण वर्ण क ख घ घ ण इस तरीके से तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट प त के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए जो कि इस प्रकार से होता है ग घ ज झ ड ढ ब भ द ध या फिर य र ल व ह या कोई स्वर आ जाए तो जो वो प्रथम वर्ण आया था क च ट प त उस प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, जो हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण है ऋग्वेद, रिक क वर्ग का प्रथम वर्ण क वेद तो उसका क का किस में परिवर्तन हो गया ग में, तीसरा वर्ण हो गया वर्ग का ग ऋग्वेद। दिग्गज, दिक प्लस गज दिग्गज इसी तरीके से दिगंत, दिक प्लस अंत क प्रथम वर्ण जो बदल गया है संधि में ग में। दिग्दर्शन, दिक प्लस
दर्शन, क बदल गया है ग में। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण अजंत, ज अच प्लस अंत, च का परिवर्तन हो गया ज में तीसरे वर्ण। आजादी, अच प्लस आदि, आजादी, च का परिवर्तन हो गया ज में। इसी तरीके से षडानन, षट प्लस आनन, ट का ट ठ ड तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। षड दर्शन, षट प्लस दर्शन। इसी तरीके से उदाहरण है सुबंत, सुप प्लस अंत, प का ब में परिवर्तन। अब्द, अप प्लस द, अब्द। इसी तरीके से अन्य उदाहरण जगदीश, जगत प्लस ईश, स्वर भी आ सकता है इसलिए यहाँ पे आया है ईश, ई स्वर, तो त थ द, द में परिवर्तन हो गया त का तीसरे वर्ण में। उदाहरण उत प्लस आहरण, त के सामने स्वर तो त का द में परिवर्तन हो गया। सदुपयोग, सत प्लस उपयोग, सदुपयोग। लेकिन अपवाद के तौर पे भी कुछ शब्द हैं जिनमें परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि सज्जन, सत प्लस जन, त का द में नहीं हुआ, ज का ही रहा, आधा ज। उल्लास, उत प्लस लास, तल्लीन, तत प्लस लीन, तो ये कुछ इसके अपवाद हैं। इसी तरीके से द्वितीय नियम, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण वही क च ट प त के समक्ष, के सामने न या म आई, तो उस प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का अब क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण, पंचम वर्ण में बदल जाता है प्रथम वर्ण, यदि उसके समक्ष न या म आए। तो उदाहरणों से समझते हैं, पांचों वर्ण लिखे हुए हैं, क का क्या होता है, च का, ट का, त का, प का। उदाहरण से समझते हैं, वांग में, वाक प्लस में, क का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो गया। दिग्नांग, दिक प्लस नाग। उन्मूलन, उत त का चेंज हो गया न में, उन्मूलन। उन्नत, उत प्लस नत। षणमूर्ति, षट प्लस मूर्ति। तन्मय, तत प्लस मै, त का चेंज हो गया न में। जगन माता, जगत प्लस माता, त का परिवर्तन हो गया इसमें भी न में। उन्मुख, उत मुख। तो बस इतना से ध्यान रखना है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के समक्ष न या म आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से अगले नियम के बारे में अध्ययन करते हैं, यदि त व्यंजन के बाद च या छ आए तो वो बदल जाता है च छ, यदि ट और ठ आए तो ट ठ हो जाता है, और यदि ज त व्यंजन के बाद, और यदि ज या झ आए तो ज में, और यदि त व्यंजन के बाद ल आए तो ल में बदल जाता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, जैसे उच्चरित, च, यहां पे हम करते हैं विच्छेद, करते हैं संधि विच्छेद। उच्चरित, उत प्लस चरित, त, मैंने बताया था त व्यंजन के बाद यदि च या छ आए तो च में बदल जाता है, तो यहाँ पे आधा च एंड पूरा च। इसी तरीके से तट्टीका, तत प्लस टीका, त व्यंजन के बाद यदि क्या है ट या ठ तो ट ठ में बदल जाता है, तो बदल गया। उच्चाटन, उत प्लस चाटन, वही पहले उदाहरण की तरह। उच्छिन्न, उत इसमें छ आया है, त व्यंजन के बाद में छ आया है तो च, आधा च और छ में बदल गया, उच्छिन्न। उच्चारण, उत प्लस चारण, च व्यंजन के बाद, इसमें त व्यंजन के बाद में आया च तो किसमें बदल गया, आधा च और पूरा च। जगत छाया, जगत प्लस छाया, तो छ आया तो छ बदल गया, आधा च और छ में जगत छाया। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, जो बदल गया उज्ज्वल। उज्ज्वल में हमेशा दोनों जो जय आते हैं वो आधे आधे आते हैं।
सज्जन, सत प्लस जन, तय के बाद में आया ज, तो ज किस में बदल गया, ज में, यदि ज या झ के बाद, यदि तय के बाद में ज या झ आए तो ज में, ज आए या झ आए। तल्लीन, तत् प्लस लीन, यदि तय के बाद में ल व्यंजन आए तो वह ल बन जाता है, इसलिए तय भी क्या बन गया, ल में, इसलिए बना तल्लीन। इसी प्रकार से उल्लेख, उत् प्लस लेख, त व्यंजन के बाद ल आया तो उसका किस में परिवर्तन हो गया, ल में। बस ध्यान रखना है, तय व्यंजन के बाद यदि च छ आए तो च छ में बदल जाते हैं, यदि ट आए तो ट ठ में, इसी प्रकार से ज झ आए तो ज बन जाता है, और यदि तय के बाद में ल आए तो ल बन जाता है। अगला नियम है, यदि त या द व्यंजन के बाद शलगम वाला श आए तो च आधा छ में परिवर्तन हो जाता है, जो श शलगम वाला श है उसका आधा छ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणों से समझते हैं, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट, तय व्यंजन के बाद में क्या आया, श, तो उसका किस में परिवर्तन हो गया, आधा छ और छ में उच्छिष्ट। इसी प्रकार से उच्छवास, उत तय के बाद में आया स, उसका परिवर्तन हो गया उच्छवास। मृच कटिक, मृच कटिक, तो मृद, मृद प्लस शकटिक। हर शब्द का पूरा अर्थ होता है संधि विच्छेद करते वक्त, ये ध्यान रखे। उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट जो मिलकर बन गया, तय के बाद में श आया तो उसका च छ में परिवर्तन हो गया। तो ये महत्वपूर्ण नियम है। इसके बाद बात करते हैं अगले नियम की। यदि त के बाद है आए, तय व्यंजन के बाद है आए तो तय का द, तय व्यंजन तो द में बदल जाता है तथा है का ध हो जाता है। उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, उद्धार, उत प्लस हार, तय व्यंजन था उसका परिवर्तन हो गया द में, उद और ह का हो गया ध में। इसी प्रकार पद्धति, पत, तय का हो गया व्यंजन का द में, और हति है का हो गया ध में। पद्धति, तद्धित, तत् प्लस हित, तद्धित, उसी प्रकार से जिसे, तो ध्यान रखे त के बाद ह आए, तय व्यंजन के पश्चात ह आए तो त का द और है का ध हो जाता है। बात करते हैं यदि म व्यंजन के पश्चात, ध्यान से सुनना, यदि म व्यंजन के पश्चात क स भ तक, क से भ तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो उस म के स्थान पर उसी वर्ग का या तो पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। यदि म व्यंजन के पश्चात क से भ तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। देखिए जिस प्रकार, उदाहरण देखते हैं, अलंकृति, अलम, म व्यंजन के पश्चात आया कृति को तो उसका हो गया अलंकृति, या तो अनुस्वार या पंचम वर्ण क का अण। इसी प्रकार तीर्थकर, तीर्थम कर, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार संगठन, सम प्लस गठन, संगठन। संगति, सम प्लस गति, संगति, अनुस्वार हो गया इसमें। संघात, सम म व्यंजन के पश्चात आया घ तो हो गया अनुस्वार संघात। संज्ञा, सम प्लस ज्ञा, संज्ञा, यहाँ पे भी अनुस्वार। परंतु, परम प्लस तू, म व्यंजन के पश्चात आया तू तो उसका हो गया परंतु, और क्या बदल गया, अनुस्वार में। अगला नियम है, यदि संधि के प्रथम पद के अंत में स्वर हो, प्रथम पद के अंत में स्वर हो, ठीक है, और बाद में दूसरे शब्द के शुरू में छ, दूसरा शब्द जो शुरू हो रहा हो वो छ से शुरू हो रहा हो तो छह के स्थान पर आधा छह हो जाता है। ध्यान से सुने,
यदि संधि के प्रथम पद के अंत में स्वर हो, प्रथम पद के अंत में स्वर और दूसरा शब्द जो शुरू हो रहा हो वो छ से शुरू हो रहा हो, उस छ के स्थान पर आधा छ छ हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, तरु छाया, तरु तरु स्वर प्लस छाया, तरु छाया, तो छ बदल गया आधा छ छ में। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, व अस्वर, उसके पश्चात आया छ तो वो बदल गया च छ में। प्रति छाया, प्रति छोटी ई प्लस छाया, छाया तो छ बदल गया आधा छ छ में। तो ध्यान रखे इस नियम को। उसके बाद अगला नियम है, यदि संधि के बाद स व्यंजन हो, स से सपेरा वाला व्यंजन हो, तथा स व्यंजन से पहले ए या आ स्वर के अतिरिक्त, स व्यंजन से पहले ए या आ स्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर आएगा तो वो स से सपेरा वाला व्यंजन का श से षटकोण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं विषम, तो इसका परिवर्तन हो गया वी, अ और आ व्यंजन स्वर नहीं है यहाँ पे, ई छोटी ई वाला स्वर है, प्लस सम से सपेरा वाला, निष्ठा नी छोटी ई की प्लस था, युधिष्ठिर युधि छोटी ई प्लस स्थिर, इसी प्रकार सुषुप्त सु प्लस सुप्त। तो ध्यान रखे यदि संधि के बाद स व्यंजनों, आप सब उदाहरणों में देख सकते हो स से सपेरा वाला व्यंजन है, तथा उस स व्यंजन से पहले अ या आ स्वर के अतिरिक्त, तो यहाँ सभी उदाहरणों में छोटी ई या उ स्वर थे, तो अ आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर आए तो उस स से सपेरा व्यंजन का श से षटकोण व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। अगला उदाहरण है, यदि संधि में न व्यंजन के पूर्व, न व्यंजन के पूर्व ई री र व हो, तो वो न व्यंजन अण में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं, तृण त्रि ई है इसमें ध्वनि और न भी है, न व्यंजन के पूर्व ई है तो इसलिए तृण अण में बदल गया वो। मरण मर र है इसमें, बताया था न व्यंजन के पूर्व ई री र व हो तो अण में, तो मर प्लस न, पुराण पुरा प्लस न, उष्ण उष प्लस न, प्रण प्र प्लस न। तो ध्यान रखे व्यंजन संधि दो व्यंजनों का मेल, और ये सारे नियम हैं इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखे। विसर्ग संधि, विसर्ग के समक्ष दो बिंदी, जब भी विसर्ग के समक्ष या सामने स्वर या व्यंजन आए तो स्वर या व्यंजन आने पर जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में पहले शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि होती है तथा उसके बाद में आने वाले स्वर या व्यंजन के साथ जो विसर्ग का मेल होता है, मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण है कुछ, अधोगति अधः अधः, विसर्ग प्लस गति, उस विसर्ग का स्वर या ग व्यंजन से मेल होने पर परिवर्तन हुआ और वो बदल गया ओ में, अधो गति। इसी प्रकार मनोरंजन मनह प्लस रंजन मनोरंजन। बात करते हैं सबसे पहले नियमों की। पहला नियम है इसका, यदि विसर्ग या संधि से पहले अस्वर हो, पहले पद में अस्वर हो विसर्ग से पहले, तथा संधि के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, जैसे कि ग घ ज झ ड ढ इस प्रकार से, या फिर य र ल व हो,
इस तरीके के व्यंजन हो तो उस विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। ओ उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि है मनोहर, मनह, हर, विसर्ग म न, न अ थी, अ स्वर था इसमें और अ स्वर के बाद में विसर्ग और उसके समक्ष है ह, यरल व ह तो ह है तो उसका परिवर्तन हो गया ओ। इसी प्रकार यशोदा, यशह, दा, मनोबल, मनह बल, आप देख सकते हैं ब व्यंजन है, दह, ये सब वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण में से ही है। इसी प्रकार सरोज, सरह, ज, ज भी इसी प्रकार है। तपो भूमि, तपह भूमि, विसर्ग अध्वनि, ऐस्वर, उसके बाद विसर्ग और भ शब्द, भ व्यंजन, तो तप, तप परिवर्तन हो गया ओ में। इसी प्रकार पयोद, पयह प्लस द, तो आप देख सकते हैं इन सब में विसर्ग या संधि से पहले अस्वर था और संधि के बाद किसी न किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण था या यर लगा था तो उससे ये सब ओ में परिवर्तित हो गए, मनोहर, यशोदा, मनोबल, सरोज, तपोभूमि, पयोद। तो ध्यान रखिए इस नियम को। इसके बाद बात करते हैं अगले नियम की। यदि विसर्ग से पूर्व ए या आ स्वर को छोड़कर इन दोनों के अलावा, अ आ स्वर के अलावा यदि अन्य कोई स्वर ई उ इस प्रकार से हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा यरलव हो, ध्यान रखें थोड़ा सा नियमों को, थोड़े से, यरलव हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में। उदाहरण से समझते हैं, जैसे निर्झर, नी, अ या आ के अतिरिक्त स्वर है इसमें छोटी, नी प्लस झर, झ, तो ये हो गया तीसरा चौथा वर्ण। इसी प्रकार दुर्गम, दूह, ऊध्वनि है इसमें भी प्लस गम, क, ख, ग, ये भी तीसरा वर्ण है। इसी प्रकार दुरुपयोग, दू प्लस उपयोग, ध्वनि के सामने स्वर है, इस वाले उदाहरण में स्वर है तो कोई स्वर भी आएगा तभी यही संधि होगी। दुर्घटना, दू, घटना, घ, चौथा वर्ण। निराशा, नीह, आशा, यहाँ पे है स्वर। तो ध्यान रखें विसर्ग से पूर्व यदि अ आके उस स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यर अलवा हो तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा। अगले नियम की बात करते हैं। यदि विसर्ग से पहले स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और संधि के बाद च या छ वर्ण हो, व्यंजन हो, तो च और छ का परिवर्तन होगा श से शलगम वाले में। यदि ट ठ हो तो श से षटकोण और त और थ हो तो स से सपेरा वाले में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान रखें यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और संधि के बाद च छ हो तो श, ट ठ हो तो श, त थ हो तो स में परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं उदाहरण। निश्चल, निह प्लस चल, यहाँ पे क्या है च, च व्यंजन है तो च के अनुसार स से इसमें बदलेगा, निश्चय, निह प्लस च, इसमें च थी, च या छ हो तो शलगम वाले में बदलेगा श शलगम। मनस्ताप, मनह प्लस ताप, यहाँ पे व्यंजन है त, त और थ होगा तो स से सपेरा में परिवर्तन होगा तो मनस्ताप में देख लीजिए आप स है, स से सपेरा। हरिश्चंद्र, हरी ही प्लस चंद्र, यहाँ पे भी च था व्यंजन तो शलगम वाले में बदल गया। धनुष्टंकार, तो धनु प्लस टंकार, यहाँ पे षटकोण वाले में परिवर्तन हो गया क्योंकि ट या ठ हो
तो स से षटकोण में परिवर्तन होगा। तो स्तर दुह प्लस तर, यहाँ पे तय, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है विसर्ग से पहले यदि स्वर हो, स्वर की ध्वनि, और संधि के बाद ये कुछ हो, चय अचय, टय अठय, त थ, तो इन नियमों के अनुसार बदलाव होगा। अगले नियम की बात करते हैं। यदि विसर्ग से पूर्व ई और उ स्वर हो, ई और उ, और विसर्ग के बाद क ख प फ म हो, तो उस विसर्ग की जगह शय षटकोण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, निष्फल नीह, यहाँ पे ई स्वर है देख लीजिए, प्लस फल फ, तो मैंने बताया था विसर्ग से पूर्व ई उ स्वर मिल गया हमें, यहाँ विसर्ग के बाद क ख प फ म, तो उसमें से फ मिल गया, तो विसर्ग की जगह शय से षटकोण में परिवर्तन हो जाएगा, निष्फल निष्पाप नीह प्लस पाप। इसी प्रकार पुष्प पुह प्लस प, पुष्कर पुह क प्लस कर, निष्कारण नीह प्लस कारण, सभी उदाहरणों में इसी प्रकार है, ई या उ स्वर है उसके बाद में क ख प फ म सभी में है, पहले में फल पाप प कर कारण यही व्यंजन है, तो इसलिए विसर्ग का शय से षटकोण में बदलाव हो गया है। अगले नियम की बात करते हैं। यदि संधि से पूर्व विसर्ग हो, संधि से पूर्व विसर्ग हो, विसर्ग के बाद श श स हो, तो विसर्ग जो का त्यो एज इट इज रहता है और आगे आने वाला वर्ण भी अधूरा रह सकता है। देखते हैं, निसंदेह नीह, संधि से पूर्व विसर्ग था और उसके बाद में आने वाला है स से सपेरा संदेह, तो उसका परिवर्तन हो गया आधा स में। इसी प्रकार दुस्साहस दुह प्लस साहस, विसर्ग था, विसर्ग के बाद साहस से सपेरा वाला व्यंजन स, तो आधा स में परिवर्तन हो गया, वर्ण अधूरा। दुशासन दुह शासन, इसमें स से शलगम वाला शय था और संधि से पूर्व विसर्ग था, तो विसर्ग के पश्चात क्या लग, उससे पूर्व क्या लग गया, आधा स। इसी प्रकार निसंक नीह प्लस शंक, तो आसानी से आप देख सकते हैं विसर्ग हो पूर्व में, विसर्ग के बाद शय शलगम वाला, शय षटकोण वाला, स सपेरा वाला हो, तो विसर्ग वैसा का वैसा रहता है और संधि में आने वाला शब्द अधूरा आता है। इसी प्रकार अगले नियम की बात करते हैं। यदि विसर्ग के बाद र हो, संधि के पूर्व में विसर्ग, उसके बाद में र हो, तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है। और इसी एक बात और ध्यान रखनी, और उस विसर्ग से पूर्व आई जो छोटी लघु मात्रा होती है हस्व मात्रा, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण देखते हैं, नीरोग नीह प्लस रोग, विसर्ग के बाद र आया, तो उस विसर्ग का लोप हो गया और जो मात्रा नीह में थी छोटी, वो लघु मात्रा दीर्घ में परिवर्तित हो गई। नीरस नीह रस, नीरव नीह प्लस रव, इन तीनों ही उदाहरणों में विसर्ग के बाद र था, तो विसर्ग का लोप हो गया और विसर्ग से पूरी रिपीट, और विसर्ग से पूर्व जो आई हस्व मात्रा वो भी दीर्घ में परिवर्तित हो गई। तो इस इन नियमों का ध्यान रखें। आप हिंदी व्याकरण के और भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर में लिखकर हमें बता दें, ताकि हम जल्द से जल्द उस टॉपिक को आपको वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू समझा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।